हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। फ्रेंड्स, आज बच्चों की फरमाइश है कि वो डोरा केक खाएंगे, तो मैंने भी सोचा कि अगर फरमाइश है तो पूरी तो जरूर करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि अगर मैं बना ही रही हूं तो वो रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर देती हूं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और देखते हैं कि डोरा केक कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, डोरा केक बनाना शुरू करते हैं। इन्हें हम डोरा याकी भी कहते हैं। और सबसे पहले मैं एक ये मिक्सिंग बोल लूंगी। ये मैंने मिक्सिंग बोल लिया है और इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच बटर लिया है, इसे मैं इसमें डाल दूंगी। ये मेल्टेड है। उसके बाद मैंने ये 3 बड़े चम्मच ये अमूल की क्रीम है वो ली है, वो भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। ये मैंने 4 बड़े चम्मच लिया है मिल्क मेड, जो ये कंडेंस मिल्क होता है ना वो है, ये भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। और ये मैंने लिया है एक छोटी कटोरी शुगर पाउडर और इसे भी मैं इसमें डालकर मिक्स कर दूंगी। और ये मैंने 1 बड़े चम्मच लिया है बेकिंग पाउडर। आपको बेकिंग सोडा नहीं लेना है, बेकिंग पाउडर ही लेना है। और ये थोड़ा सा ज्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि ये कई बार क्या होता है, रखा हुआ होता है तो अच्छे से फर्मेंट नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने ये 1 बड़े चम्मच एक छोटा चम्मच लिया है। और ये हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे इन सारी चीजों को। अब ये हमने चम्मच से तो मिला लिया, अब हम इसे एक विस्कर की सहायता से ना अच्छे से मिलाएंगे। ये विस्कर लिया है मैंने, अच्छे से फेटेंगे, जो भी इसके लम्स होंगे ना वो सब इसमें से हट जाएंगे। आप चम्मच से भी फेट सकते हैं, चम्मच से भी, लेकिन आपको इसे चम्मच से जब फेटोगे तो थोड़ा ज्यादा फेटना पड़ेगा और विस्कर से ये बहुत जल्दी थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। ये देखिए ये कितना एक अच्छा सा पेस्ट सा बन के तैयार हो गया है और कितना स्मूथ लग रहा है। अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने 1 कप मैदा लिया है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। धीरे धीरे करके मिलाएंगे इसे और ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ना पानी डालेंगे। आप इसे दूध से भी मिक्स कर सकते हैं, मैंने इसमें नॉर्मली ये पानी लिया है और इसको धीरे धीरे हम मिक्स करेंगे। बहुत ज्यादा पतला हमें नहीं करना है, इसे धीरे धीरे मिक्स करते रहेंगे हम। थोड़ा सा और डाल दूंगी मैं। इसे भी हमें एक स्मूथ बैटर बना के तैयार कर लेना है। ये देखिए विस्कर से देखिए कितना अच्छा मिक्स हो गया है। अभी भी मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है क्योंकि ये देखिए ऐसे बह नहीं रहा है ये जैसे ना। और अब हम थोड़ा सा और डालेंगे पानी और अब ये हमारा बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं और खाते हैं तो बस मजे आ जाते हैं। अब देखिए ये अब जो ये बैटर तैयार हुआ है हमारा, ये बहुत अच्छा बनके तैयार हो चुका है और हमें ऐसा ही बैटर चाहिए बिल्कुल। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बैटर अब बनके तैयार हो चुका है। अब मैं बनाती हूँ डोरा केक। तो फ्रेंड्स, बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें जो डोरा केक है वो हमें पैन में बनाना है और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप पैन लोगे डोरा केक बनाने के लिए उसका लिड होना चाहिए ताकि जो ढक्के हमें अच्छे से बन पाएंगे वो। अगर आपका लिड नहीं होगा तो डोरा केक अच्छे से नहीं पकेंगे, तो इसलिए हमें वही पैन यूज करना है जिसका हमारे साथ उसके साथ में ढक्कन हो। तो अब हम इसे पहले हीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पैन हमारा हीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे किसी भी हैंकी या किसी भी गीले कपड़े से लेके एक बार पोंछ देंगे ताकि जो इसकी जो हीट है वो बैलेंस हो जाएगी। ये कहीं से गर्म कहीं से ठंडा ऐसा नहीं रहेगा, इक्वली ही गर्म हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, किसी भी कोई भी चम्मच ले लीजिए आप या फिर कोई भी एक छोटी कटोरी जिससे आप ये यहाँ पे डाल सकें। तो मैंने ये 1 कप लिया है, ये 1/4 है और इसी से मैं 2 डोरा केक बनाकर तैयार कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे ये डोरा केक बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसी तरीके से मैं बाकी डोरा केक भी बना लूंगी।
ये देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट और एकदम फूला हुआ है ये। इन्हें थोड़ा सा ढक देंगे और सिर्फ एक दो मिनट ही पकाएंगे, उसी में ये तैयार हो जाते हैं बनके। नीचे से हमें इन्हें ज्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का सा सेकना है और उसी में ये बनके तैयार हो जाए। ये आप देख सकते हो कितने अच्छे से फूल गया है ये बेकिंग पाउडर से। ये देखिए ये बनके तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स डोरा केक हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अब ये मैंने एक चॉकलेट स्प्रेड लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं ये, और इसे हम इस पे स्प्रेड कर देंगे और हमारे डोरा केक बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। ये इस पे हम हल्का हल्का स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए, देख के मुंह में पानी आने लग गया है और बच्चे तो बस वेट कर रहे हैं कि कब मम्मी दे दें और कब हम खा लें। ये देखिए बनके तैयार हो चुके हैं। तो ये बन गया डोरा केक। अब मैं इसे ना आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये। तो ये हमारे टेस्टी डोरा केक बनकर तैयार हैं। आप भी अपने घर में ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।